ट्रांसफॉर्मेशन में जिसमें अपन अध्ययन करने जा रहे हैं, तो देखो गैलेरियन ट्रांसफॉर्मेशन से पहले अपन ने कोऑर्डिनेशन सिस्टम पढ़ा था, उसके अंदर आपने क्या पढ़ा था, एक कोऑर्डिनेट का दूसरे कोऑर्डिनेट से संबंध पढ़ा था, और उसमें आपने फ्रेम के बारे में पढ़ा था, कितने प्रकार के फ्रेम होते हैं, दो प्रकार के फ्रेम होते हैं, इनर्शियल और नॉन इनर्शियल। उसके बाद में आपको मैंने रूपांतरण समीकरण पढ़ाई थी। अब उसके बाद में अपन क्या पढ़ रहे हैं, गैलेरियन ट्रांसफॉर्मेशन। देखो गैलेरियन ट्रांसफॉर्मेशन और रूपांतरण समीकरण क्या है, एक जैसे ही होते हैं। गैलेरियन रूपांतरण और ट्रांसफॉर्मेशन जो आपके पास रूपांतरण समीकरण इक्वल टू एक जैसे ही दिखाई देती है, लेकिन इनमें अंतर क्या होता है। देखो गैलेरियन ट्रांसफॉर्मेशन क्या कहता है कि एक निर्देश तंत्र से क्या, एक निर्देश तंत्र का दूसरे निर्देश तंत्र से संबंध, एक निर्देश तंत्र का दूसरे निर्देश तंत्र से क्या होना चाहिए, संबंध होना चाहिए, उसी को आप क्या कहते हो, गैलेरियन ट्रांसफॉर्मेशन। लेकिन एक छोटा सा नियम और जोड़ दिया इसमें, इसमें क्या जोड़ा है उन्होंने, आपके पास कौन से फ्रेम होने चाहिए, इनर्शियल फ्रेम होने चाहिए, कौन से जड़त्वीय फ्रेम होने चाहिए, यानी दो जड़त्वीय फ्रेम अलग अलग है और उन दोनों का एक दूसरे से जो रिलेशन होता है वो क्या कहलाता है, गैलेरियन रूपांतरण। और जो समीकरण प्राप्त होती है वो क्या कहलाती है, गैलेरियन रूपांतरण समीकरण। तो देखो इसमें अपन अगर स्टडी करना चाहे तो इसकी परिभाषा में क्या आप क्या लिखोगे, दो जड़त्वीय निर्देश तंत्रों में संबंध, तंत्रों में संबंध बताने के लिए जीपी ट्रांसफॉर्मेशन यानी गैलेरियन रूपांतरण का उपयोग किया जाता है। ठीक है, यानी दो जड़त्वीय निर्देश तंत्रों में संबंध बताने के लिए जीटी ट्रांसफॉर्मेशन यानी गैलेरियन ट्रांसफॉर्मेशन का उपयोग किया जाता है। गैलेरियन ट्रांसफॉर्मेशन का उपयोग किया जाता है पदार्थ में, न्यूटन के नियम का। तो न्यूटन में कितने नियम होते हैं, तीन नियम होते हैं, इनर्शियल आपके पास का अलग होता है, जड़त्वीय नियम, दूसरा आपके पास कौन सा होता है, बल वाला जो नियम होता है गति का, न्यूटन का द्वितीय नियम, थर्ड क्या होता है, न्यूटन का द्वितीय नियम कौन सा है, प्रतिक्रिया का नियम, वो तीनों नियम यहाँ पे लागू होने चाहिए। अब अपने देखो इसमें संबंध कैसे निकालेंगे, अपने को क्या निकालना है, रूपांतरण संबंध सबसे पहले। तो देखो यहाँ पे अपन बात करें क्या कह रहे थे, अपन दो निर्देश तंत्र होने चाहिए अपने पास, मान लिया कि ये आपके पास क्या है, ऐसे निर्देश तंत्र, और इसका मूल बिंदु क्या है ओ। अब अपन बात कर रहे हैं एक दूसरा निर्देश तंत्र है आपके पास कौन सा, एसडीएस। ठीक है, इसका मूल बिंदु आपके पास क्या है, ओडीएस है। ठीक है, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, एक्स और वाई, ये क्या हो जाएगा, एक्सडीएस और वाईडीएस। ठीक है, अब अपन इनको क्या करना है, गैलेरियन ट्रांसफॉर्मेशन निकालना है। मान लीजिए आपके पास में यहाँ पे कोई बिंदु P स्थित है, जिसका आपके पास स्थिति सदिश क्या है, r वन वेक्टर, क्या है, r वन वेक्टर। यानी कि देखो जब ये यहाँ पे था तो इसकी स्थिति मूल बिंदु से क्या थी, r वन थी। जब t टाइम हुआ तो ये बिंदु Q पर पहुंच गया, कहाँ पे पहुंच गया, बिंदु पहुंच गया, कहां पे पहुंच गया भाई, क्यों पे पहुंच
समस्या को बिंदु क्यों का, इसी बिंदु से आपके पास कोई निर्देशांक है या आपके पास कोई स्थिति सदिश है, क्या है आर टू वेक्टर, ठीक है, ये इसका स्थिति सदिश हो गया। अब देखो अपन पहले आप इस बिंदु पे थे और इस बिंदु से इस बिंदु पे आ गए, यानी आपके अंदर विस्थापन हुआ है, क्या हुआ है विस्थापन हुआ है, तो ये विस्थापन आपके पास क्या है ये आपको बताना है, यानी आप कहां से कहां आए हो, आर वन टू, ठीक है, मान लीजिए आप भाई स्थिति सदिश है, अपन ने क्या कहा देखो मूल बिंदु O के सापेक्ष आर वन से कोई बिंदु P स्थित है और Q का स्थिति सदिश क्या है आर टू, ऐसे ही आप समझ कर मानना है, यहाँ पे भी आपको एक स्थिति सदिश मानना है और यहाँ पे आपको एक स्थिति सदिश मानना है, ठीक है, यह हो गया, इसको मान लेते हैं अपन आर वन डेस और इसको मान लेते हैं आर टू डेस, ठीक है, इसको आप डेल्टा आर भी कह सकते हो, ठीक है, डेल्टा आर वेक्टर सेकंड वाला मान लेते हैं डेल्टा आर डेस वेक्टर, पहली बात तो अपन ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है, अब इससे तो देखो अपने पास फिर अपन आगे करेंगे, तो ये तो देखो यहाँ से तो कौन सा डायग्राम निकलेगा, यानी पहले तो आप देखो इन दोनों के बीच में क्या लगाओगे त्रिभुज का नियम लगाओगे, त्रिभुज का नियम लगाने के बाद आप क्या करोगे त्रिभुज का सदिश योग नियम लगाओगे, तो आर वन प्लस डेल्टा आर किसके बराबर हो जाएगा आर टू के बराबर, ऐसे ही ये आर वन प्लस डेल्टा आर डेस किसके बराबर हो जाएगा आर टू डेस के बराबर, आपको किसकी वैल्यू चाहिए डेल्टा आर डेस की वैल्यू चाहिए, लेकिन देखो यहाँ तो अपन विस्थापन का निकाल सकते हैं, देखो ध्यान रखना ऐसे ही आपके पास एक होता क्या जब दोनों निर्देश तंत्र आपके पास क्या हो संपाती हो, ठीक है, तो मान लेते हैं ये आपके पास देखो मैं डायग्राम समझा रहा हूँ सबसे पहले याद रखना एक्स ये एस निर्देश तंत्र है, एस और एस डेस दोनों संपाती है, क्या है दोनों संपाती है, ठीक है, तो संपाती होने की स्थिति में क्या हो जाएगा ये आपके पास दूसरा निर्देश तंत्र क्या हो गया एस डेस हो गया, ठीक है, ये मूल बिंदु ओ है और ये क्या है आपके पास ओ डेस है, ठीक है, अब अपन कहते हैं कि एस के सापेक्ष ये नियत वेग बी से क्या है कॉन्स्टेंट वेग, अब यहाँ से देखो अपन यहाँ एक बिंदु माने कोई एक आपके पास कोई बिंदु है, ठीक है, तो इसका मूल बिंदु को के सापेक्ष स्थिति सदिश क्या है मान लेते हैं P है, तो इसका स्थिति सदिश अपन क्या मानते हैं R वेक्टर या फिर R का में वेक्टर मान लेते हैं, अब देखो जब T1 देखो T equal to 0 पे S equal to S डेस दोनों संपत्ति दोनों संपादित थे, ठीक है, तो यहां अपन बात करते हैं देखो ये क्या है और ये क्या है, जब t इक्वल टू 0 होगा यानी ये और ये आपके पास जब देखो t टाइम पे यहां पे गया तो अपन मान लेते हैं v वेग से था, तो इसको देखो अपन यहां से यहां की वेग भी पाते हैं, तो इसको अपन अगर r नॉट माने क्या माने r नॉट वेक्टर, ठीक है, तो देखो यहाँ पे इसका वेग कितना है v, वेग कितना है v, चाल इक्वल टू दूरी बटा समय, दूरी इक्वल टू क्या होता है चाल इक्वल समय, तो यहाँ पे देखो v वेग से चल रहा है और t क्या चल रहा है टाइम से, तो देखो r नॉट की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी v t, ठीक है, अब मान लेते हैं इस बिंदु का o डेस से आपके पास क्या है स्थिति सदिश क्या है आर वन आर टू मान लो इसको, ठीक ये आर टू है, ये पी, ठीक है, ये एक्स डेस है ये वाई डेस है, अब देखो अपने पास देखो ये दोनों निर्देश तंत्र ये तो तब है जब आपके पास संपत्ति नहीं है और ये कब है जब आपके पास संपत्ति हो, तो देखो अपन को रिलेशन निकालना है सबसे पहले, रिलेशन निकालना है,
देखो अपने को इक्वेशन निकालनी है, क्या निकालनी है, गैलीलियन रूपांतरण इक्वेशन। तो देखो इसका तो उपयोग करेंगे अपन जब दो बिंदु के मध्य आपको क्वेश्चन पूछा जाता है। सिद्ध कीजिए कि गैलीलियन रूपांतरण में दो बिंदुओं के मध्य विस्थापन अचर होता है। क्या होता है? दो बिंदुओं के मध्य विस्थापन अचर होता है। तो उस टाइम अपन ये काम में लेंगे, ठीक है। उससे पहले अपन क्या काम में लेंगे, ये हमारा डायग्राम, ठीक है। तो अपन इसकी बात करते हैं अब इस डायग्राम के बारे में। तो देखो आपको देखो पी के निर्देशांक एक तो हो गया आपके पास, क्या हो गया एक्स और वाई, और ए क्या हो गया पी इक्वल टू एक्स डैश और ए वाई डैश, ठीक है। अब अपन बात करते हैं, तो देखो इसमें अपन क्या लिखे, थ्योरी लिखे हैं। तो थ्योरी में आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो, दो अलग अलग निर्देशन रहे। तो देखो सबसे पहले अपन थ्योरी की बात करते हैं, इसकी थ्योरी की। तो देखो इसमें अपन थ्योरी में कैसे लिखे, माना एक निर्देश तंत्र आपके पास क्या है, एस है, जिसका मूल बिंदु क्या है ओ, मूल बिंदु ओ के सापेक्ष बिंदु पी का स्थिति सदिश क्या है, आर वन वेक्टर है, क्या है आर वन वेक्टर है, तथा बिंदु पी के निर्देशांक आपके पास क्या है एक्स वाई है। इसी प्रकार क्या है, इसी प्रकार एस डैश निर्देश तंत्र का मूल बिंदु आपके पास क्या है ओ डैश है, क्या है ओ डैश है, जिसका P के सापेक्ष स्थिति सदिश क्या है R2 वेक्टर है, क्या है R2 वेक्टर है, जिसके निर्देशांक क्या है आपके पास x डैश और y डैश है, क्या है x डैश और y डैश है। तो इसमें अपन क्या लिखे, माना S तंत्र में S निर्देश तंत्र अपन क्या बात करते हैं, स्थिति सदिश, स्थिति सदिश आर वेक्टर, आर वन वेक्टर, ठीक है, तथा बिंदु के निर्देशांक एक्स वाई है, ठीक। इसी प्रकार एस डैश तंत्र में स्थिति सदिश सदिश आर टू वेक्टर तथा बिंदु पी के निर्देशांक एक्स डैश वाई डैश है, ठीक है। अब इसको यहां डाल देते हैं इस लाइन को, टी इक्वल टू जीरो पर दोनों निर्देश तंत्र समपाती है, इसलिए त्रिभुज ओ डैश पी में सदिश योग नियम से सदिश योग नियम से। देखो अपन सदिश योग नियम लगाएंगे तो यहाँ पे क्या आएगा आपके पास, ओपी वेक्टर इक्वल टू ओ डैश पी वेक्टर प्लस आपके पास क्या आ जाएगा
बॉडीज। तो मान लेते हैं यहाँ से क्या है, ये ओपी वेक्टर किसके बराबर है, आर वन वेक्टर के, और ये ओ क्या किसके बराबर है, आर टू के बराबर, और ये किसके बराबर है, वी टी के बराबर है। ठीक है, अब अपन अगर आर टू निकाल लेते हैं यहाँ से, तो ये आर टू क्या हो जाएगा, ठीक है, आर टू क्या हो जाएगा, आर वन वेक्टर माइनस वी टी। ठीक है, इक्वेशन वन। ठीक है, यानी कि देखो आपके पास ये संबंध आ गया, आपके पास ये संबंध आ गया। अगर यहाँ से अपन बात करें, अगर किसी को देश के रूप में मान ले, मानो कि देखो एस में देश अंदर दोनों में, देखो अपन ने इसको आर वन मान लिया, आर टू मान लिया, अगर अपन को आर वन देश और आर टू देश मान, वैसे भी हो सकता है। तो देखो अपन के पास ये आ गया, सीधा संबंध आ गया। ठीक है, तो इक्वेशन है वन हो गई। अब यहाँ आर टू हो गया, आर वन भी हो सकता था यहाँ। तो देखो ये आपका वेग फिक्स है, तो देखो यहाँ सबसे पहले पहला पॉइंट क्या आएगा, इसमें वेग रूपांतरण। ठीक है, क्या आएगा, वेग रूपांतरण। तो इसमें आपको क्या करना है, देखो वेग निकालना है। वेग का मतलब होता है क्या, वेग यानी जो आपके पास आर दी गई है, उस आर का टी के सापेक्ष क्या हो, जो परिवर्तन होगा, यानी कि क्या कहलाएगा, यानी कि स्थिति का समय के सापेक्ष रूपांतरण या जो परिवर्तन होता है उसको आप क्या कहते हो, वेग कहते हो। तो इसमें क्या लिखोगे, हम जानते हैं कि वेग v वेक्टर इक्वल टू क्या होता है, dr cos dt। ठीक है, तो यहाँ क्या करोगे, समीकरण दो, तो इसके बाद क्या लिखोगे, समीकरण a का t के सापेक्ष अवकलन करने पर। ठीक है, अवकलन करोगे, यहाँ पे क्या करोगे भाई, अवकलन करोगे। तो देखो अवकलन करने के बाद यहाँ क्या हो जाएगा, देखो डी आर टू अपॉन डी टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी आर वन वेक्टर अपॉन डी टी। और यहाँ पे देखो करोगे तो ये क्या है, कांस्टेंट वेग है, तो कांस्टेंट क्या करोगे, तो देखो इसका तो हो नहीं सकता, और इसका करोगे तो आपके पास मान लीजिए क्या बचेगा यहाँ पे, v वेक्टर। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, v2 वेक्टर इक्वल टू v1 वेक्टर माइनस v। ठीक है, ये हो गया समीकरण दो, तीन समीकरण क्या हो जाएगा, तीन। तो आप क्या कहते हो, समीकरण तीन, समीकरण तीन रूपांतरण में वेग समीकरण कहलाता है। एक तो ये तरीका था, ठीक है, ऐसे ही वेग हो गया। अब उसके बाद हम जो क्या निकालना है, त्वरण निकालना है। देखो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। तो आगे चलते हैं हमारे,
ये क्या होते हैं समीकरण, तीन का टी के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या समीकरण तीन का क्या करोगे आप अवकलन करोगे, तो यहां पे अवकलन करोगे तो ये क्या हो जाएगा डी वी टू वेक्टर, क्या हो जाएगा डी वी टू वेक्टर अपॉन डी टी, और ये क्या हो जाएगा डी वी वन वेक्टर अपॉन डी टी, क्या हो जाएगा डी वी वन अपॉन डी टी, और ये क्या हो जाएगा डी वी बाई डी टी, ये कॉन्स्टेंट है, ये क्या है कॉन्स्टेंट है, तो आप क्या करोगे जब ये कॉन्स्टेंट होगा तो कॉन्स्टेंट का क्या होता है जीरो, तो ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी जीरो, तो आपके पास बचेगा क्या डी वी टू अपॉन डी टी इक्वल टू डी वी वन अपॉन डी टी इक्वल टू, आप इनको क्या कह सकते हो ए टू वेक्टर इक्वल टू ए वन वेक्टर, आप क्या कह सकते हो गैलीलियन रूपांतरण में त्वरण क्या होता है नियत होता है एक निश्चित राशि होती है, इसको दे दो समीकरण चार, अतः समीकरण चार से स्पष्ट है, कि जीटी ट्रांसफॉर्मेशन में त्वरण निश्चय राशि होती है, क्या होता है त्वरण एक नियत राशि होती है, ठीक है, ऐसे आप यहां पे क्या निकाल सकते हो देखो वेग आ गया त्वरण आ गया, तो इन दोनों समीकरणों से आप इसका क्या निकाल सकते हो बल भी निकाल सकते हो और संवेग भी निकाल सकते हो, तो देखो एक तो तरीका ये हो गया यहां तक एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो वापस, ठीक है ले लिया होगा आपने, तो देखो अब हम कुछ और बात करते हैं जो कि आपकी बुक में दिया हुआ है, अब बुक का तरीका पढ़ते हैं, अब बुक का तरीका पढ़ते हैं, ठीक है देखो आपकी बुक में तो डायग्राम दिया जाएगा मैं दिया होगा वो ऐसे होगा, इसको माना जाता है आरडीस, ठीक है ये क्या माना जाता है आरडीस, तो अपन आबाद कर देंगे, तो यहाँ पे अगर देखो सीधी सीधी बात है तो वही क्या करोगे वापस रिपीट कर रहा हूँ एक बार जल्दी से, आप क्या करोगे या त्रिभुज ओ ओ डैश पी में क्या करोगे आर वेक्टर इक्वल टू क्या करोगे आर नॉट वेक्टर प्लस आर डैश वेक्टर, आपको चाहिए क्या आर डैश वेक्टर, ठीक है अपने पास क्या था इसको इधर ले आओ तो ये क्या हो जाएगा आर वेक्टर माइनस आर नॉट वेक्टर, आर नॉट की वैल्यू क्या है यहाँ पे आर डैश इक्वल टू आर वेक्टर माइनस ये क्या हो जाएगा वी और डी वेक्टर, ठीक है ये आपके साथ समीकरण है, पर अपने पास क्या है यहाँ पे आर टू वेक्टर इक्वल टू आर वन वेक्टर माइनस वी डी वेक्टर, देखो समीकरण एक जैसी है दोनों, इस मानने का तरीका अलग है क्या माना है मैंने और क्या बुक में माना गया है, ठीक है तो ये यहीं से करना है वही चीजें हैं दोनों सेम से कोई कंफ्यूज वाली बात नहीं, तो आगे अपन बात करते हैं क्या देखो आर की वैल्यू देखो यहाँ पे किसकी इस आर वन की वैल्यू रखते हैं और इस आर टू की वैल्यू रखते हैं, ठीक है तो यहाँ पे क्या लिखा माना माना आर वन वेक्टर ये किसका फंक्शन है आर वन एक्स वाई और जेड का, ठीक है तो ये क्या हो जाएगा आर वन वेक्टर, अगर इसको कोऑर्डिनेट के रूप में लिखा जाए तो ये क्या हो जाएगा एक्स आई के वाई जे के और जेड के, ठीक है ये अपने पास हो जाएगा एस
ऐसे अपन आर टू की बात करें इसी प्रकार, ऐसे प्रकार अपन आर टू की बात करें, ठीक है। तो आर टू किसका फंक्शन है आपके पास, आर टू एक्स डेस वाई डेस और जेड डेस का, ठीक है। तो यहाँ आर टू वेक्टर किसका फंक्शन हो जाएगा, एक्स डेस आई के, वाई डेस जे के और जेड डेस के, ठीक है। यह हो गया आर वन के लिए नियम, यानी अपने पास समीकरण चार हो चुके थे। ये समीकरण क्या हो जाएगा, पांच और समीकरण छह, ठीक है। तो समीकरण जो एक थी, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, आर वन पता वेग को लिख लो भाई, वेग ये क्या हो जाएगा, v वेक्टर इक्वल टू v x i के, v y j के और v z k के, ठीक है। ये हो गया इक्वेशन सात, ठीक है। अब अगर आगे बात करना चाहे तो यहाँ पे क्या देखोगे, समीकरण पांच छह सात से एक में मान रख देते हैं, ठीक है। एक में मान रखोगे, देखो आर टू इक्वल टू क्या था आपके पास, यहाँ क्या रखोगे, आर टू इक्वल टू एक्स डेस आई के वाई डेस जे के और जेड डेस के, इधर क्या रखोगे, एक्स आई के वाई जे के और जेड के माइनस वी एक्स आई के वी वाई जे के और वी जेड के और एक टी हो गया। क्या किया भाई अपन ने, देखो ये इक्वेशन किया आपके पास, आर टू वेक्टर इक्वल टू आर वन वेक्टर माइनस वी टी वेक्टर, एक इक्वेशन थी अपन ने। ये वाली तीनों वैल्यू इसमें रखी है, क्या किया, आर वन आर टू और वी की वैल्यू कहाँ पे रखी है, इसमें रखी है। अब क्या करेंगे, दोनों तरफ आई के जे के गुणांकों की तुलना करने पर क्या करेंगे, तुलना। देखो आई के यहाँ पे भी है, आई के यहाँ पे भी है और आई के यहाँ पे भी है, तो सबसे पहले क्या करोगे आप, एक्स डेस इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स ये माइनस क्या आएगा, वी एक्स और टी, वी एक्स और टी, ऐसे ही आपके पास क्या आएगा, वाई डेस इक्वल टू वाई माइनस वी वाई टी और जेड डेस इक्वल टू क्या आ जाएगा, जेड माइनस वी जेड टी। ये हो गई समीकरण आपके पास आठ, क्या हो गई समीकरण आठ। तो क्या लिखोगे, समीकरण आठ है, इसके नीचे क्या लिखोगे, समीकरण आठ गैलीलियन रूपांतरण समीकरण कहलाते हैं, ठीक। समीकरण आठ क्या कहलाते हैं, गैलीलियन रूपांतरण समीकरण कहलाते हैं। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। अब आगे चलते हैं अपन, अब देखो नया तो किसी के अंदर बिंदु है, सेकंड बिंदु क्या है, दो बिंदुओं
के मध्य विस्थापन अचर होता है। ठीक है, प्रूफ करना है इसको, क्या करना है प्रूफ। ठीक है, तो इसके लिए अपन क्या करेंगे, सबसे पहले क्या आया क्वेश्चन में, वही डायग्राम जो अपन ने पहले कराया था, मैं बता चुका हूँ पहले, ये एस निर्देश तंत्र है, इसका मूल बिंदु क्या है ओ, एक दूसरा निर्देश तंत्र है क्या एस डेस, जिसका मूल बिंदु क्या है ओ डेस। ठीक है, अपन मान लेते हैं कोई बिंदु भी है। ठीक है, तो देखो ये आपके पास आर वन वेक्टर दूरी पे स्थित है, इसके ऊपर है आर वन के ऊपर स्थित है, टी टाइम बाद यानी डेल्टा टी टाइम बाद ये पॉइंट यहाँ पे आ जाता है, यानी बिंदु भी चल कर यहाँ पे आ जाता है क्यों बिंदु पे, तो यहाँ पे जो आपके पास इसका विस्थापन सदिश है आपके पास, ठीक है, ये आपके पास आर टू वेक्टर है, क्या है आर टू वेक्टर है, ये पी बिंदु है, ये क्यू बिंदु है, प्रारंभ में यहाँ पे था, यहाँ से जब करें इधर आया है। ठीक है, तो ये मान लेते हैं डेल्टा आर है, डेल्टा आर वेक्टर या फिर डी मान लेते हैं, इसको क्या मान लेते हैं डी मान लेते हैं। इसी प्रकार किसी का वो मूल बिंदु क्या है ओ डेज है, तो देखो ओ डेज का पी बिंदु का स्थिति सदिश क्या है आपके पास आर वन डेज वेक्टर है, और इसका स्थिति सदिश क्या है आर टू डेज वेक्टर है, और यहाँ मान लेते हैं इसकी दूरी क्या है आर डेज इक्वल टू यहाँ मान लेते हैं डी डेज है, क्या है डी डेज है। तो देखो आपको प्रूफ क्या करना है, इसके अंदर इसके निर्देश क्या हो जाएंगे एक्स डेज वाई डेज एक्स और वाई। ठीक है, अब मान लेते हैं आपके पास आपको प्रूफ क्या करना है, इसमें प्रूफ क्या करना है, यहाँ पे ये आपको प्रूफ करना है डी इक्वल टू डी डेज। ठीक है, दोबारा और सुन लो, आपको ये डायग्राम लेके चलना है, और इस डायग्राम में दो अलग अलग निर्देश तंत्र दिए गए हैं, दोनों के अलग अलग निर्देश तंत्र है, तो आपको लास्ट में प्रूव करना है कि दोनों के बीच का जो विस्थापन आप चल के जाते हो वो हमेशा क्या होता है अचर होता है। तो देखो अचर होता है, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके पहले तो थ्योरी लिखते हैं, इसमें थ्योरी क्या लिखोगे, माना एक ऐसा निर्देश तंत्र है, माना एक ऐसा निर्देश तंत्र है जिसका मूल बिंदु ओ है, क्या है मूल बिंदु ओ है, तथा दूसरा निर्देश तंत्र एस डेस है जिसका मूल बिंदु क्या है ओ डेस है, क्या है ओ डेस है, तथा बिंदु पी का ओ बिंदु से स्थिति सदिश आर वन वेक्टर है, तथा क्यू का स्थिति सदिश क्या है आर टू वेक्टर है, इसी प्रकार ओ डेस से पी का स्थिति सदिश आर वन डेस वेक्टर है, तथा क्यू का स्थिति सदिश क्या है आर टू डेस वेक्टर है, तथा दोनों के बीच का विस्थापन क्या है आर डेस से एक बार तो एक बार डेल्टा। ठीक है, तो इसमें अपन क्या लिखते हैं, माना ऐसे माना ऐसे निर्देश तंत्र का मूल बिंदु ओ से बिंदु पी का स्थिति सदिश आर वन वेक्टर तथा बिंदु क्यों का स्थिति सदिश आर टू वेक्टर है, तथा में स्थिति
सदिश आर वन वेक्टर व आर टू डैश वेक्टर है, ठीक है। इसलिए त्रिभुज ओ ओ डैश पी सबसे पहले नहीं, इसलिए त्रिभुज ओ पी क्यू में त्रिभुज योग के सदिश नियम से त्रिभुज योग का सदिश नियम लगाओगे तो यहां पे क्या आएगा भाई, ठीक है, क्या आएगा आर वन वेक्टर इक्वल टू क्या आएगा डेल्टा आर वेक्टर प्लस आर टू वेक्टर। क्या चाहिए आपको, डेल्टा आर चाहिए, तो डेल्टा आर इक्वल टू क्या हो जाएगा आर टू माइनस आर वन वेक्टर, ठीक है, आर टू माइनस आर वन वेक्टर, जहां और ये किसके बराबर दिया हुआ है d के बराबर, ठीक है, तो d इक्वल टू क्या हो जाएगा r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर। समीकरण एक है। इसी प्रकार इसे प्रकार इसी प्रकार त्रिभुज और डैश PQ में क्या बन जाएगा आर वन डैश वेक्टर आर वन ये सही। यहां क्या करोगे भाई, इसको दो करना, क्योंकि देखो इसका और इसका योग क्या होगा दोनों का बराबर होगा, तो यहां तो क्या आएगा आर टू और यहाँ क्या आएगा आर वन। अब आएगा ये वाली क्वेश्चन, तो यहाँ पे देखो आर वन प्लस डेल्टा आर डैश वेक्टर इक्वल टू आर टू वेक्टर, तो देखो डेल्टा आर डैश वेक्टर इक्वल टू क्या हो जाएगा आर टू डैश वेक्टर माइनस आर वन डैश वेक्टर आर वन डैश वेक्टर। तो यहाँ से अगर अपन आर वन और आर टू की वैल्यू है और ये किसके बराबर है डी डैश के बराबर, ये किसके बराबर है डी डैश के बराबर आर टू डैश माइनस आर वन डैश, ठीक है। तो देखो आर वन और आर टू की वैल्यू आर टू डैश की वैल्यू अगर आपको रख लेता है इसको दे दो समीकरण है तो लिखो जी टी समीकरण, जी टी का मतलब होता है गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन समीकरण से आर डैश वेक्टर इक्वल टू क्या होता है आर माइनस वी टी, आर माइनस वी टी होता है। तो आपको किसकी चाहिए भाई आर टू डैश की चाहिए, आपको किसकी चाहिए यहाँ पे आर टू डैश की वैल्यू क्या हो जाएगी आर टू डैश इक्वल टू आर टू माइनस वी टी, ठीक है, तथा आर वन डैश की वैल्यू क्या होती है आर वन माइनस वी टी, ठीक है। तो इन दोनों को दे दो समीकरण तीन, तो लिखो समीकरण तीन से समीकरण दो में मान रखने पर क्या करोगे ये वाले आर वन आर टू डे आर वन डे से निकालोगे यहाँ पे, तो यहाँ रखोगे तो देखो डी डे से इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ रखो विस्थापन, तो यहाँ पे रखोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा आर टू की जगह रखोगे तो आर टू वेक्टर माइनस वी टी, और यहाँ रखोगे तो क्या होगा देखो माइनस में ये क्या हो जाएगा माइनस का आर वन वेक्टर और प्लस का वी टी, तो ये दोनों कट जाएंगे
समीकरण ये क्या हो जाएगी, चार। तो देखो ये समीकरण चार है और ये समीकरण एक है, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, समीकरण समीकरण चार से एक में मान रखने पर, तो देखो समीकरण चार से एक में मान रखने पर, तो देखो चार ये रही एक ये रही, तो देखो आर टू माइनस आर वन किसके बराबर है, डीडीएस के बराबर। तो देखो इस डीडीएस को कहाँ पे रखोगे, यहाँ पे, और ये किसके बराबर है, डी के बराबर। तो यहाँ पे आप रखने के बाद क्या आ जाएगा, डीडीएस वेक्टर इक्वल टू क्या आ जाएगा, डी वेक्टर। और ये आपको क्या करना था, एच टू अतः इस समीकरण से स्पष्ट है कि अतः इस समीकरण से स्पष्ट है कि गैलीलियन रूपांतरण में दो बिंदुओं के मध्य विस्थापन सदैव अचर रहता है। आया ध्यान, देखो ये थ्योरी लिखी है अपन ने, देखो टॉपिक क्या था, दो बिंदुओं के मध्य विस्थापन अचर होता है, ये आपको क्या करना था, प्रूफ करना था। तो अपन ने सबसे पहले दो बिंदु बनाए, दो रेडियस नेम लिए, क्या एस वन है एस टू है, दो फ्रेम लिए, दोनों के अलग अलग, देखो प्रारंभ में टी इक्वल टू यहाँ पे था और टी डैश टाइप पे यहाँ पे पहुंच गया, यानी डेल्टा टी टाइप के बाद में आपके पास कोई बिंदु में पहुंच गया, तो इसकी दिशा क्या हो गया, आर टू और इसका आर वन। ऐसे इसके लिए अपन ने क्या किया, आर वन और आर टू दोनों के बीच का विस्थापन मान लिया, जिसका डेल्टा आर है एस टू डैश के अंदर का, और ये डेल्टा आर डैश है, यहाँ पे देखिए मेरा ब्रैकेट में लिख रहा था एस, और ये एस डैश के अंदर है, ठीक है। तो अपन ने क्या किया, माना एस निर्देश तंत्र का मूल बिंदु को से बिंदु पी का स्थिति सदिश आर वन वेक्टर, क्यों का स्थिति सदिश आर टू, तथा एस निर्देश तंत्र के स्थिति सदिश आर वन वेक्टर है आर वन डैश और आर टू डैश, ठीक है, जो है वही लिखा है, ठीक है। अब अपने को ये करना है, त्रिभुजों का सदिश नियम लगाना है, त्रिभुजों का सदिश नियम दोनों त्रिभुजों के अंदर, फिर आपको क्या करना है, या तो इसमें वैल्यू रखो या फिर इसमें वैल्यू रखो, गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन की इक्वेशन आपके पास ये वाली होती है। तो अपन ने पहले तो इसको आर टू वेक्टर के लिए चेंज किया, फिर आर वन वेक्टर के लिए चेंज किया, और दोनों को समीकरण तीन दे दिया। तो समीकरण तीन देने के बाद आपने यहाँ पे वैल्यू रखी, फिर आपके पास वैल्यू आ गई ये वाली समीकरण चार, तो समीकरण चार की फिर आपने क्या किया, तुलना की, तुलना करने के बाद समीकरण चार और एक की तुलना करोगे तो आपके पास डी इक्वल टू क्या आ जाएगा, डी डैश आ जाएगा। अब आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, आपको न्यूटन के तीनों नियम इसमें लागू होते हैं या नहीं होते हैं उनको आपको प्रूफ करना है। तो देखो आगे वाली जो क्लास होगी अपनी, तो उसमें अपन क्या करेंगे, न्यूटन के तीनों नियम पढ़ेंगे, ऊर्जा संरक्षण नियम और संवेग संरक्षण का नियम पढ़ेंगे। क्या इन तीनों नियमों यानी कि आपके पास ऊर्जा संरक्षण, संवेग संरक्षण और न्यूटन के तीनों नियम, क्या ये सारी चीजें आपके पास गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन से लागू होती है, तो जानेंगे अपन इस चीज को अगली क्लास में। जब तक के लिए